हाय, माइसेल्फ पारिक हियर। सो यार, आज के सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मस्ट डू एल्गोरिथम्स हैं फॉर प्लेसमेंट्स जो हमें करने ही करने पड़ेंगे, राइट। बिना इन एल्गोरिथम्स को करे हम इंटरव्यूज में नहीं जा सकते, राइट। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज एल्गोरिथम्स। एंड एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? इट्स अ वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट। एल्गोरिथम इज लाइक योर रिप्रेजेंटेशन, या मतलब हमने कैसे सोचा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ऐसे ना कुछ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स होते हैं जो हमें पढ़ने ही पड़ते हैं, राइट। हम खुद से उनको सोच नहीं सकते कि ऐसा कुछ भी वे हो सकता है, तो वो चीजें हमें पढ़नी होती हैं। और जब उसको हम पढ़ लेते हैं तो उनको हम अप्लाई करते हैं दूसरे क्वेश्चंस में, तो वही एल्गोरिथम दूसरे क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। और क्योंकि हमने ये एल्गोरिथम्स पढ़ रखे हैं तो हम उनमें अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे सारे एल्गोरिथम्स आज पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं जिनको हमने अच्छे से कर लिया तो हम उनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस कर पाएंगे, ठीक है। तो एंड तक रहना एंड यू विल गेट टू नो ऑल दीज एल्गोरिथम्स। एंड इफ यू एंजॉय द वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू। सो मैंने लिख रखा है एंड दैट विल हेल्प यू फॉर श्योर। सो यहाँ पर हमने मस्ट डू एल्गोरिथम्स फॉर प्लेसमेंट में ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स लिख रखे हैं। आई विल बी डिस्कसिंग ईच ऑफ देम वन बाय वन। सबसे पहले मैं सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की बात करता हूँ। सर्चिंग मींस कुछ ढूंढना है, राइट। एरे के अंदर बहुत सारी करते हैं हम, है ना। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो हम स्टार्टिंग में, जैसे एज अ प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये एल्गोरिथम्स पढ़नी होती है, लाइक बाइनरी सर्च, है ना, सेलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। तो ये सब ना मैंने एक लिंक भी दे रखा है, वहां जाके तुम इनके बारे में पढ़ सकते हो, राइट। बट ये चारों एल्गोरिथम्स अच्छे से पढ़नी होती है, एंड नॉट ओनली लिमिटेड टू एरे, लिंक्ड लिस्ट पे भी। लिंक्ड लिस्ट पे सिलेक्शन सॉर्ट कैसे लगता है, बबल सॉर्ट कैसे लगता है, इंसर्शन सॉर्ट कैसे लगता है, अच्छे से हमें इनका पढ़ लेना चाहिए। और इनकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि बाइनरी सर्च लॉग इन में क्यों वर्क करता है। वी शुड नो द लॉग इन फैक्टर, वो कहां से आया। सिलेक्शन सॉर्ट एन स्क्वायर कैसे होता है, बबल सॉर्ट एन स्क्वायर कैसे होता है, इंसर्शन सॉर्ट एन स्क्वायर कैसे होता है, जिससे कि तुम्हें पता लग जाए कि हमें कहीं यूज करना होगा तो हम क्यों यूज करेंगे, एंड व्हाई दीज एल्गोरिथम्स विल बी बेटर फॉर दैट, ठीक है। तो इतना हमें अच्छे से बेसिक में स्टार्ट करते हैं हम, बाइनरी सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये एकदम बेसिक एल्गोरिथम्स है, ठीक है। फिर जब ये हो गई, फिर हम कुछ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं। जनरली हम इनको एरेज के अंदर अप्लाई करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम्स हैं एंड बहुत जगह यूज होती हैं। एक होती है कैटेनेज एल्गोरिथम, राइट। मैक्सिमम सम सब एरे, तुमने क्वेश्चन सुना होगा। ये केवल उस क्वेश्चन में नहीं है, ये एल्गोरिथम बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होती है, कैटेनेज एल्गोरिथम। So you can go and read about it, but ये करनी ही करनी पड़ेगी and बहुत सारे interview questions में काम आती है। Similarly, एक Dutch national flag algorithm होती है, तुमने question सुना होगा, sort 012, बहुत ही काम की algorithm है and बहुत सारे questions में काम आती है, है ना। तो इसको भी हम अच्छे से करेंगे। टू pointers technique पक्का सुना होगा कि एक start में रख लो, एक end में रख लो, and कुछ ना कुछ करना होता है, right? Pair sum निकालना, triplet sum निकालना, उसमें ये टू pointers technique बहुत काम की होती है। एंड एक स्लाइडिंग विंडो algorithm होती है कि हमने एक पार्ट ऑफ द एरे ले लिया, अब हम एक एक करके आगे आगे के चल रहे हैं, राइट। कि हमने थोड़ा इधर मतलब एक पॉइंटर यहां रख लिया, एक पॉइंटर यहां, फिर इसको आगे बढ़ाया, इसको एक आगे बढ़ाया, इसको एक आगे बढ़ाया, इसको एक आगे बढ़ाया, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम। ऐसे हम डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज स्लाइडिंग विंडो, कि हम विंडो में, एक विंडो में काम करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब की ना बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं और हमें समझ में आता है कि कहां कहां यूज करना है, सो दैट हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व हो जाए, है ना, वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। दीज आर द स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स। फिर उसके बाद हम रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग तो पढ़ते ही हैं, सभी को पता होगा रिकर्जन बैक ट्रैकिंग तो पढ़ना ही है। तो रिकर्जन अगर पढ़ना तो यहां से करेंगे, बिकॉज दिस विल बिल्ड द बेसिक ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज बहुत जगह आता है काम रिकर्जन, है ना। लिंक्ड लिस्ट की प्रॉब्लम्स में भी होता है, ट्रीज की प्रॉब्लम्स में भी होता है, तो बहुत जगह काम आने वाला है। तो रिकर्जन की एल्गोरिथम को हम ढंग से समझेंगे। फिर उसके बाद हम डिवाइड एंड कॉन्कर एक पार्ट होता है, राइट, वो भी रिकर्सिवली ही सॉल्व होता है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में जैसे मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, अगेन नॉट लिमिटेड टू ओनली एरे और लिंक्ड लिस्ट में भी हमें अच्छे से करना है ना। तो इन लिंक्स में जाके तुम पढ़ाई कर सकते हो डिवाइड एंड कॉन्कर की, तो तुम्हें समझ में आएगा कि प्रॉब्लम को तोड़ा और फिर उसको एक एक करके जोड़ जोड़ के हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करा, है ना। तो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट आर वेरी गुड एप्लीकेशंस ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, तुम इस लिंक पे जाओगे तो एप्लीकेशंस भी सॉल्व कर पाओगे। और फिर एक बैक ट्रैकिंग नाम की चीज होती है, सुना ही होगा, होता रिकर्सिवली है, बट थोड़ा सा ये होता है कि हम डिफरेंट पाथ्स एक्सप्लोर करेंगे एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये हमें करनी ही करनी है, अच्छे से हो जाना चाहिए।
रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग के बाद मैं एक लिंक लिस्ट का एक पर्टिकुलर पार्ट बोल रहा हूँ, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स की एक उसमें टेक्निक होती है कि स्लो पॉइंटर मींस एक एक करके चलेगा और फास्ट पॉइंटर मींस दो टाइम्स करके चलेगा, कि वो दो बार ही आगे बढ़ता रहेगा और एक स्लो पॉइंटर एक एक करके आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत जगह टेक्निक काम आ सकती है कि एक को एक से बढ़ाना, एक को दो से बढ़ाना। तो इसको अच्छे से हमें इस एल्गोरिथम को ढंग से समझना होता है, तो लिंक लिस्ट में पर्टिकुलरली ये बहुत काम आता है। ठीक है, तो हमने स्लो एंड फास्ट पॉइंटर टेक्निक भी सीख ली। अब उसके बाद हम एक ग्रीडी एल्गोरिथम सीखते हैं, राइट। ग्रीडी एल्गोरिथम ना बेसिकली ये होता है कि यार ऐसा दिमाग लगाया है कि सॉल्यूशन ना पक्का ऐसे वर्क करेगा, है ना। तो तुम बहुत सारी एप्लीकेशन सोचते हो कि क्या मैं इसमें सॉर्ट कर दूं, क्या अच्छा हाँ उससे बेस्ट ऑप्टिमाइज वे में हो जाएगा, है ना, कि मैं इसमें कुछ मैक्सिमम निकाल दूं, क्या क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दैट इज अ ग्रीडी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि तुमने थोड़ा सा लालची दिमाग लगाया और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, बट तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो क्यों चलेगा, है ना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ये फ्रैक्शन नैपसैक हो गया, गैस टैंक हो गया, इनको करना, है ना, तुम्हें समझ में आएगा कि व्हाट इज अ ग्रीडी वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। उसके बाद कुछ मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करके प्रॉब्लम होती है कि मैं इसके अंदर कुछ मिनिमम ले लूं, या मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ कॉइंस निकालने हैं कि मेरा पूरा ओवरऑल बजट सेटिस्फाई हो जाए, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज वाली प्रॉब्लम्स यहां जाके पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद एक सॉर्टिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स होती है कि सॉर्ट कर दिया क्या उससे आंसर निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे ग्रीडी टेक्निक लगा दी कि कुछ सॉर्ट करने से हो जाएगा क्या, कुछ होता है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़े सो दैट हम पूरा पाथ कवर कर लें, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक वी शुड सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स, एंड ग्रीडी एल्गोरिथम्स पे बहुत हेल्प करते हैं, है ना। फिर जब ग्रीडी समझ में आ जाता है तो कहीं जगह ऐसा आता है कि यहाँ ग्रीडी क्यों नहीं चलेगा, जनरली उनमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लग रहा होता है ना। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल एल्गोरिथम है, आई थिंक उसके लिए मैंने पहले भी बताया रिकर्जन तो अच्छे से आना ही चाहिए। उसके बाद हम बेसिकली रिकर्सिवली जो बहुत ज्यादा टाइम ले रही होती है चीजें, जैसे फिबोनाची का प्रॉब्लम होती है ना, ऐसी कुछ कुछ ग्रीडी की प्रॉब्लम्स होती है जो ग्रीडी से नहीं चलेगी, कि मैंने गलत वे से सोचा है, तो उसमें डीपी से लगेगी, हमें सारे पाथ तो एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। अब उसका ऑप्टिमाइज वे क्या है कि सारे पाथ एक्सप्लोर करके हमें आंसर आ जाए, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हेल्प होता है। तो हमें मेमोराइजेशन मतलब रिकर्सिव जो सॉल्यूशन लगाया उसको ऑप्टिमाइज कर दिया, फिर उसको रेदर देन यूजिंग रिकर्जन हम उसको इटरेटिवली कैसे करते हैं, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस होती हैं। इस लिंक पे जाके तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में भी पढ़ सकते हो, एंड दिस इज अ मस्ट डू एल्गोरिथम, बिकॉज डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन तो तुम अपनी लाइफ में पक्का कहीं ना कहीं फेस करोगे ही करोगे, है ना। तो इसको नहीं छोड़ सकते, इसको तो हमें अच्छे से करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर होती है कुछ ग्राफ के एल्गोरिथम्स, है ना। ग्राफ जब एक डेटा स्ट्रक्चर होता है तो उसमें हम बहुत सारे एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट तो उसमें BFS एंड DFS है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स में BFS एंड DFS के क्वेश्चन होते हैं। BFS इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च, मतलब लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, अगर तुमने पढ़ा तो वैसे टाइप का होता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च इज लाइक अ रिकर्सिव वे, है ना। तो BFS एंड DFS को अच्छे से समझते हैं। उसके बाद एक MST होता है, मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ना उसके अंदर तुम बहुत सारे एल्गोरिथम्स पढ़ते हो, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम पढ़ते हो। तो जब क्रुस्कल्स एल्गोरिथम पढ़ते हो तो तुम्हें उसमें साइकिल डिटेक्शन और यूनियन फाइंड एल्गोरिथम भी पढ़ना होता है। एंड दीज आर नॉट लिमिटेड टू ओनली दिस पार्ट, ये जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पे काम आ जाती है टेक्निक। तो क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम, साइकिल डिटेक्शन, यूनियन फाइंड एल्गोरिथम, दीज आर द फ्यू इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम्स यू रीड इन ग्राफ्स, एंड दे आर नॉट ओनली लिमिटेड टू ग्राफ्स, दे आर यूज्ड इन वेरी मच डिफरेंट प्रॉब्लम्स, है ना। तो हमें दूसरी प्रॉब्लम्स में भी यूज करना पड़ता है, तो हमें इन एल्गोरिथम्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर ऐसी होता है डेक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, है ना, बहुत ही ग्रीडी, इट इज लाइक अ ग्रीडी एल्गोरिथम, है ना। जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें आएगा इट्स अ ग्रीडी वे। तो ग्रीडी एल्गोरिथम इज नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली, यहां पर भी ग्रीडी वे है, बट मैंने उसको ग्राफ एल्गोरिथम्स में डाल रखा है ना। तो डेक्स्ट्रा एक शॉर्टेस्ट पाथ का है, वो इंटरेस्टिंग ग्रीडी एल्गोरिथम होती है। ऐसी एक टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में तुम खान से एल्गोरिथम पढ़ते हो, तो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग, तुम यहां जाके पढ़ाई कर सकते हो। और ये दो और एल्गोरिथम है जो हमें पढ़ लेनी चाहिए टू बी ऑन द सेफर साइड। बेलमैन फोर्ड है, बेलमैन फोर्ड तब लगता है जब डेक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ में साइकिल एग्जिस्ट कर जाती है ना। तो साइकिल एग्जिस्ट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम बेलमैन फोर्ड यूज करते हैं, और फ्लॉयड वॉर्सल भी उसी का एक एक्सटेंशन होता है। डेक्स्ट्रा में क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स में शॉर्टेस्ट पाथ निकालना। फ्लॉयड वॉर्सल इज डिफरेंट पॉइंट्स है एक दूसरे में आपस में सबका शॉर्टेस्ट पाथ निकालना, है ना। तो ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व होती है, एंड काफी इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम होती है। तो यू शुड मस्ट ट्राई दिस एल्गोरिथम, एंड यू शुड मस्ट लर्न दीज एल्गोरिथम्स। तो ये वाला एल्गोरिथम भी अगर हम कर लेंगे तो हमें समझ में आएगा। फिर उसके बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए, है ना। एक काउंटिंग सॉर्ट है, आई थिंक पढ़ लेनी चाहिए, जो उसमें टेक्निक यूज होती है काउंट वाली, वो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो जाती है, एंड स्पेशली कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में वो काउंटिंग सॉर्ट वाली टेक्निक बहुत जगह यूज हो जाती है ना, टू ऑप्टिमाइज द सॉल्यूशन।
तो पढ़ लेना चाहिए, एक बारी पता होना चाहिए कि काउंटिंग सॉर्ट क्या होता है एंड सिमिलरली हीप सॉर्ट, है ना। हम लोग बहुत सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ लेते हैं बट हीप सॉर्ट नहीं पढ़ते। आई थिंक काफी काम की चीज है एंड वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम ऑफ सॉर्टिंग, है ना। तो हीप सॉर्ट को पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी क्यू कैसे यूज करके हम सॉर्टिंग कर लेते हैं। एंड कुछ स्ट्रिंग के एल्गोरिथम्स है, मैं रिकमेंड करूंगा ये दो एल्गोरिथम्स पढ़ लेना, पैटर्न सर्चिंग के एल्गोरिथम्स होती है KMP एंड Z एल्गोरिथम। तो पता होना चाहिए हाउ डज दीज वर्क, याद नहीं रहने वाली बट इनमें जो छोटी छोटी टेक्निक होती है कि हमने कुछ लुकअप एरे बनाया है, कुछ कुछ यूज होता है, तुम जब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, वो ना दूसरी जगह काम आ जाती है। तो हमें इन एल्गोरिथम्स का थोड़ा सा पार्ट पढ़ लेना चाहिए सो दैट हम दूसरे पार्ट में भी अप्लाई कर पाए, है ना। सो दीज आर द फ्यू एल्गोरिथम्स जो तुम्हें अच्छे से कर लेनी चाहिए एंड अगर तुमने ये सारी एल्गोरिथम्स कर ली सो यू आर रेडी फॉर योर प्लेसमेंट एंड इंटरव्यूज एंड डेफिनेटली इनको तो हम कर लेंगे टू बी ऑन द सेफर साइड। मैंने इसमें सारे लिंक्स भी दे दिए हैं, मैं ये डॉक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तुम ये प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर लेना, अच्छे से इन एल्गोरिथम्स को पढ़ लेना एंड ये एल्गोरिथम्स के टेक्निक कहीं ना कहीं तुम दूसरी प्रॉब्लम्स में यूज करोगे ही करोगे, है ना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट्स। तो ऐसी हम लोगों ने और भी वीडियोस डाल रखी हैं, लाइक जैसे ट्रीज की तुम देख सकते हो, हाउ टू मास्टर ट्रीज, हाउ टू मास्टर डायनेमिक प्रोग्रामिंग, हाउ टू मास्टर रिकर्जन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज है, आई थिंक उनसे भी तुम्हारे को हेल्प हो जाएगी। सो डेफिनेटली वॉच देम एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कीप मोटिवेटेड, राइट। ओके, थैंक यू।